नमस्कार, आप सबका स्वागत है हेल्पिंग एवरी लाइफ ऑन प्लेनेट यूट्यूब चैनल। मैं अंकुर राय आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी हुई थी ग्रामीण उपभोक्ता विकास परियोजना के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के बारे में। जैसे कि अभी काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, कुछ लगभग 1 महीने से इस टाइप की वैकेंसी का काफ़ी कुछ 20-25 चैनल हैं जो यूट्यूब के इस टाइप की वैकेंसी को दिखा रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ था पहले, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने उसमें एक चैनल को एक्सपोज कर चुका हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती है क्या और उसमें किस किस पद पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें 3 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक इंचार्ज और कोऑर्डिनेट टीम मेंबर के। और इसकी आखिरी डेट बताई गई थी 31/01/2020, ठीक है। और जैसे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताया गया था 10th 12th या एनी ग्रेजुएट जो भी पास हुआ हो। और पेमेंट स्केल जो बताया हुआ था वो 18,500 पर मंथ फॉर कोऑर्डिनेट टीम मेंबर, 28,500 रुपये फॉर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक इंचार्ज और 32,500 रुपये फॉर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ठीक है। तो ये बात हो गई इनके नोटिफिकेशन की, जो कि ये है, ठीक। चलिए तो अब हम इसकी जेन्युइनिटी की बात कर लें या इसकी सच्चाई की बात कर लें कि वैकेंसी कितनी सच है या ये भी फर्जी है, ठीक है। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा, काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले क्या है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक स्कीम थी, जिसमें कि जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे थे उनके एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन जो होती है, वो कंपलसरी होने का काम सर्व शिक्षा अभियान द्वारा था, ठीक है। एक ऐसा अभियान था जिसमें हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, उसके लिए ये अभियान बनाया गया था, जिसका अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, शगुन नाम कर दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। उसको उसकी ये वेबसाइट है, विकिपीडिया पे इस दर पे लिखा हुआ है। और सर्व शिक्षा अभियान को बंद हुए 2 साल हो चुके हैं। बंद नहीं हुआ है, उसमें क्या किया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को इंक्लूड कर दिया गया है। इंक्लूड मतलब उसमें उसके साथ एक और प्रोग्राम को ऐड कर दिया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान था, उसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद दोनों दोनों अभियान को एक नाम से पुकारा जाएगा, जो कि नाम है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल साइट है ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। जब आप नेट पर सर्च करेंगे उसकी ऑफिशियल साइट ये है ssa.nic.in, ये जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं यही इसकी ऑफिशियल साइट है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की थी, समग्र शिक्षा अभियान की भी यही साइट है, ठीक है। और जिस साइट पे ये वैकेंसी निकली हुई है ये एक फेक वेबसाइट है, एक फेक साइट है, जो कि इस तरीके की वैकेंसी पिछले 2-2.5 साल से निकाली जा रही है, ठीक है। मैंने काफी रिसर्च करी इस पे, मैंने पता किया, मैं देखता आ रहा हूँ इस चीज को कि ये काफी सालों से इस टाइप की वैकेंसी चला रहा है, ठीक है। जब हम इस साइट के होम पेज पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्व शिक्षा अभियान जो है गवर्नमेंट का एक स्कीम थी, वो कोई ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। तो
ये जो सब लिखा है ये सब फर्जी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ नंबर्स वगैरह लिख दिए गए हैं, बॉम्बे पब्लिक एक्ट ट्रस्ट के अंदर ये सर्वशिक्षा अभियान इनका रजिस्टर्ड है। एक चीज बताओ भाई, जब भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, स्कीम है, वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में क्या करेगी, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बॉम्बे पब्लिक एक्ट ट्रस्ट ऐसा कुछ नहीं कहता है, ये मैंने पूरा एक्ट पढ़ा था, आपको वो भी दिखा देता हूँ। यह है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, मैंने ये डाउनलोड किया है charity.maharashtra.gov.in से, ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है। 107 पेज का ये एक्ट है, मैंने ये पूरा पढ़ा और उसमें एक लाइन भी इस तरीके की सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ना ही उसमें कोई भी ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो ये सब फेक चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। और इनके अबाउटस वगैरह में भी क्या है, अगर इन लोग इतना ही थोड़ा अच्छा काम कर रहे होते तो इन्हें यहाँ पे पता चलता कि इन्होंने जो कट कॉपी पेस्ट किया है उसी में इन्हें समझ में आ जाता। ये देखिए, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये सब फर्जी चीजें हैं और कुछ नहीं। इन लोगों कुछ भी बस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी डाल दिया है वेबसाइट में, कुछ भी डाल दिया है बस। इन्हें बस मुद्दा कहाँ पे है, मुद्दा यहाँ पे है। जैसे आप गैलरी में खोलेंगे, गैलरी में क्या मिलेगा आपको, ये कुछ स्कूल से रिलेटेड योगा करते हुए बच्चों की फोटो और ये सब, जैसे कि लगे हाँ कुछ एजुकेशन की ये वेबसाइट है, वो भी गूगल की ली हुई फोटो है और कुछ नहीं। मुद्दा ये है, फॉर्म ऐसी फेक वैकेंसी क्रिएट कर दी, मिनिमम एज 18 दे दी, 45 ईयर्स तक मैक्सिमम एज दे दी, ठीक है, सारे कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये का रखा हुआ है इन्होंने। भारत सरकार का अगर ये फॉर्म होता तो 100 रुपये का होता, यूपीएससी का फॉर्म 100 रुपये का आता है, एसएससी का फॉर्म 100 रुपये का आता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान को बंद हुए 2 साल हो चुके हैं, ये किस बात की भर्ती कर रहे हैं भगवान जाने, भर्ती तो हो नहीं रही है, सब पैसा लूटने का काम हो रहा है। ये वेबसाइट में आप ऊपर देख सकते हैं .org.in लिखा है, अगर यहाँ पे .gov.in होता तो ये गवर्नमेंट की साइट होती है, ये फेक वेबसाइट है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसलिए जब भी आप कभी भी सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का है नहीं, ठीक है। और कुछ यूट्यूब वालों ने ऐसे गवर्नमेंट भर्ती बताते हुए बता भी दिया, कुछ पेपर की कटिंग लेके भी बता रहे थे, ठीक है। उन सबको मैंने अपने इस वीडियो में एक्सपोज किया भी था, ये मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये एक चैनल को लेके बताया भी था मैंने, इसमें एक्सपोज किया हुआ है इन लोगों को, ठीक है। कुछ इस टाइप के 20-25 चैनल चल रहे हैं जो कि लगातार इस टाइप की वैकेंसी, फेक वैकेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जब भी कभी आप नेट पे सर्व शिक्षा अभियान डालेंगे, ये देखिए, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहले ये खुल के आएगा, ये www.aict.india.org, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है ये खुद ही एक फेक वेबसाइट है, ठीक है। इन्होंने नीचे ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो कि ये है। ऑलरेडी मैंने ये वेबसाइट के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो विदाउट इधर उधर की बातें किए बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात और एक जेन्युइन बात ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा फॉर्म नकली है, ये वेबसाइट पूरी फेक है, आप टाइम पैसा बर्बाद अपना ना करें। अप्लाई नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे, ये अप्लाई नाउ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
ये जो इनका फॉर्म है एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्म है जैसे कि ग्रामीण उपभोक्ता का फॉर्म था और जैसे कि शिक्षा मिशन वालों का फॉर्म था। और मुझे कई हद तक ये लग रहा है कि ये सेम ग्रोह है जो कि इस टाइप की वैकेंसी लगातार बनाया हुआ है। वो कहीं ग्रामीण उपभोक्ता के नाम पे ठग रहा है, कहीं वो शिक्षा मिशन के नाम पे ठग रहा है, कहीं सर्व शिक्षा अभियान के नाम पे ठगी कर रहा है। कुछ उन्हीं लोगों के कुछ YouTube चैनल भी चल रहे हैं जिससे पब्लिक को यहाँ तक लेके आया जाए। इवन कुछ कुछ ब्लॉग भी वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटली एक फेक वेबसाइट है, पूरा का पूरा फेक काम है इन लोगों का। ठीक है, और साफ तौर पे दिख रहे हैं, मतलब ये टोटली फेक है। इसमें तो देखने वाली, और ये आप कंपेयर करके देख लो, ये एक फेक वेबसाइट और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। ठीक है, ये टोटली है। आप गवर्नमेंट को कोई वैकेंसी निकालनी होगी तो वो रोजगार समाचार में नोटिफिकेशन देके निकालेगा, ना कि इस तरीके की कोई साइट पे आएगी, और ना ही कोई यूट्यूब चैनल आपको बताएगा कि ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और कोई जेन्युइन वैकेंसी है। इवन ये प्राइवेट वैकेंसी भी होती तो भी ये जो गवर्नमेंट की स्कीम का नाम यूज कर रहे हैं उसके लिए ये जेल जाएंगे, क्योंकि ये टोटली फेक काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप इनका कॉन्टेक्स्ट वगैरह खोलेंगे तो आप पाएंगे ये जो एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, मैंने गूगल मैप पे सर्च वगैरह किया और आसपास काफी सर्च किया, ये टोटली फेक एड्रेस है। इससे रिलेटेड इनका कुछ भी इसमें पता नहीं चलता है। ठीक, और जी आप सबसे एक चीज निवेदन है कि जब आप ये शगुन की वेबसाइट खोलेंगे जो ssa.nic.in है समग्र शिक्षा अभियान की, तो उसमें यहाँ पे जाइएगा सीनियर ऑफिसर्स में, वहाँ पे ये दो जगह आपको ये ईमेल एड्रेस दिखेगा, ये मनीष गर्ग जॉइंट सेक्रेटरी और एक और ये है जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, इन दोनों के ईमेल एड्रेस पे आप मेल भेजिएगा। किसका? ये सर्व शिक्षा अभियान वालों का, ये वालों का। क्या इसको कॉपी करिएगा, इस लिंक को कॉपी करके अपनी ईमेल एड्रेस में डालिएगा, पूरे ईमेल में लिखिएगा डिटेल्स वगैरह। वो डिटेल्स लिख के बताइएगा कि एक फर्जी अभियान चल रहा है, एक फर्जी वैकेंसी चल रही है, एक फर्जी वेबसाइट चल रही है सर्व शिक्षा अभियान के नाम पे। और ऐसा करने से क्या होगा, इस टाइप के लोगों पे कार्रवाई हो पाएगी। ईमेल में भी करने वालों जितने ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे इन लोगों को पता चलेगा कि एक फेक वेबसाइट चल रही है और ये एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और भी जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आप सबसे यही कहूँगा कि इस टाइप की फेक वैकेंसी में की लालच में बिल्कुल ना आए। कुछ यूट्यूब चैनल आपको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये वैकेंसी ही गलत है, और अगर आपको लगता है कोई वैकेंसी है जिस पे आपको भ्रम हो या डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वैकेंसी आई हुई है, ये सही है कि गलत है, आप मुझे थोड़ा बताइए, तो मैं थोड़ा आपको सर्च करके जरूर बताऊंगा या उस पर वीडियो बना के बता दूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से, रोजगार समाचार पढ़िए, जॉब नहीं लग रही है तो, और ऐसी चीज़ें पढ़िए जो कि जेन्युइनली है। ठीक है, गवर्नमेंट की साइट पे उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक, वैकेंसी के लिए काफ़ी वेबसाइट हैं, आप चाहते हैं तो एक वीडियो मैं उसके लिए भी बना दूंगा जिसमें जेन्युइन वैकेंसी आती होंगी, वो उस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आगे की वीडियो के लिए चैनल से जुड़ जाइए।
और फिर मिलते हैं, धन्यवाद।